हाय एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पंजाब अड्डे 24/7 ते तुहाडे सारिआं दा। अज असीं गल करन वाले हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी दे उत्ते, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लैक्चर होने वाला है जिहदे विच आपां डिस्कशन करांगे कॉन्टीनेंट्स दे बारे। इहदा बहुत सारे लैक्चर्स तुहाडे लई प्रिपेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी दे उत्ते, वीक होंदे ने, और बहुत सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम दे विच आ जाते हैं। आओ चलो स्टार्ट कर दें, और ये क्लास सारे कंपीटेटिव एग्जाम के लिए जी है हेल्पफुल होएगी, तो सारे कंपीटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हो। तो थोड़े सामने मैं एक डायग्राम जरा है ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो और अपना भी जरा टाइम है थोड़ा सा सेफ हो सके, राइट। तो अच्छ सिर्फ सब तो पहले आप फोकस करा कि उपर कॉन्टीनेंट्स के उपर। देखो टोटल साढ़े को किन्ने कॉन्टीनेंट्स है, 7 कॉन्टीनेंट्स सूँ देखने को मिलते हैं। आओ इन्हों काउंट करिए कि कॉन्टीनेंट्स है। नंबर 1 साउथ अमरीका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप। 5th नंबर एशिया, 6th नंबर ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th नंबर अंटार्कटिका। ये पूरी धरती से 7 कॉन्टीनेंट सानू देखने को मिलते हैं। पूरी धरती अगर अर्थ की गल की जाए, अर्थ दे विच, ठीक है, 70% तो तुहानू पानी देखने को मिलेगा, वो यानी कि हाइड्रोस्फीयर जिन्हों आप कहने। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होंगे जिदे विच ओशियंस वगैरह आ जाते हैं। हजे आप ओशियंस के उपर फोकस नहीं कर रहे, बट फिर भी तुहानू दस देनी आ, ओशियंस जिहड़े है सब तो वड्डा ओशियन किहड़ा है, वह है पैसिफिक ओशियन। कल आप ओशियंस के बारे करावे, अज आप फोकस सिर्फ कॉन्टीनेंट्स से करना है। तो पैसिफिक ओशियन जिहड़ा सब तो वड्डा है, तो 70% लैंड कवर करते हैं, ठीक है। तो टोटल किन्ने ने, मतलब 30% जिहड़ा है लैंड कवर करेगा, तो 70% जिहड़ा है पानी कवरअप करेगा। ओके, हुण इस डायग्राम दे विच भी तुहानूं देखण नूं मिल रहा होएगा कि सब तो वड्डा कॉन्टीनेंट किहड़ा है। किहड़ा है भाई सब तो वड्डा कॉन्टीनेंट? सब तो वड्डा कॉन्टीनेंट है अपना एशिया, ठीक है। सब तो वड्डा कॉन्टीनेंट वर्ल्ड का, या अर्थ का कह लो, लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट एरिया वाइज अगर गल करिए किहड़ा है, एशिया। और एशिया दे ही सब तो ज़्यादा पॉपुलेशन भी तुहानू देखण नू मिलती है, राइट। और सब तो छोटा कॉन्टीनेंट केड़ा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट, कॉन्टीनेंट वो अपना आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वो केड़ा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जिहड़ा है ये स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट है इन द वर्ल्ड, और अगर एशिया की गल करिए लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट है। और अगर सपोज एग्जाम च कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिवें एशिया के रिलेटिड, ऑस्ट्रेलिया के रिलेटिड, उन्होंने आप सैपरेटली करांगे, कि कई बार एशिया कॉन्टीनेंट डिस्कस कर लिया, हजे ओवरऑल आप डिस्कस कर दें कि कॉन्टीनेंट्स बारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट प्लेस, सब तो वड्डी प्लेस जिहड़ी है धरती ते कीड़ी है। क्वेश्चन एवें आएगा, हाईएस्ट प्लेस, ध्यान दे नाल सुनो, हाईएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, तो तुहाडा आंसर की होएगा, वो एशिया कॉन्टीनेंट दे विच है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। सब तो वड्डी प्लेस या हाईएस्ट पॉइंट तुसी कह लो। अगर एवें क्वेश्चन पूछा जाए लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, तो अपना आंसर की आएगा, तो अपना आंसर आएगा डेड शोर, ठीक है। डेड शोर जिहड़ा है ये लोएस्ट पॉइंट आ जाता है धरती के उत्ते। इन्नी गल क्लीयर होगी। और ये होर भी बहुत सारे जिवें क्वेश्चन्स तुहानू बनते ने। हुण स्टार्ट करते हैं, सब तो पहला आपां अफ्रीका कॉन्टीनेंट ते। हुण जिवें तुसीं ये देखिया कि भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट एशिया है, दूजे नंबर पर किहड़ा आंदा है, सैकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, सैकेंड लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट जिहड़ा सानू देखण नू मिलेगा वह है अफ्रीका। अफ्रीका साडा सैकेंड है, पहले नंबर ते एशिया आ गया। ओके, हुण अगर आपां देखिए सहारा डेजर्ट, जो सब तो वड्डा डेजर्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट, वो किस कंट्री का पार्ट है, किस कॉन्टीनेंट का पार्ट है, अफ्रीका का ही। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जिहड़ा डेजर्ट है, जिसनों आप कहने हाँ सहारा डेजर्ट, वो अफ्रीका के अंदर ही आता है। एशिया के अंदर राजस्थान वाली साइड थार डेजर्ट आता है,
डेजर्ट्स भी तुहानू अलग तो करावांगी, बट हजे कॉन्टीनेंट दे बारे जस्ट आपां डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और एक होर चीज़ पता होनी चाहिए कि जिहड़ी वर्ल्ड की लोंगेस्ट रिवर है, ठीक है, लोंगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो कि है, वह है नाइल, वह भी अफ्रीका का ही पार्ट है। तो लोंगेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, एग्जाम च क्वेश्चन आता है कि भाई लोंगेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड केड़ी है, तो तुम्हें याद रखना है नाइल है, और कितने केड़े कॉन्टीनेंट का पार्ट होगी है, अफ्रीका कॉन्टीनेंट का, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर नॉर्थ अमेरिका की गल करिए, हुणां दे आपां नॉर्थ अमेरिका दे, नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट है, एदे विच टोटल 23 कंट्रीज है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट है और एदे विच टोटल 23 कंट्रीज जिहड़ा है पार्ट आ जांदे आ। तो यानी कि पहले नंबर ते अपना केड़ा आएगा हुण, एशिया अगर आपां एरिया वाइज गल करिए, दूजे नंबर ते आपां केड़ा कवरअप किया, अफ्रीका, थर्ड नंबर ते अपना केड़ा आएगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, थर्ड नंबर ते अपना केड़ा आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका दा ही बच्चा कैनेडा, कैनेडा देखोगे ना, कैनेडा तो यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टीनेंट दे विच ही तुहानू देखण नू मिलदे ने, राइट। और जे आपां गल करिए क्वेश्चन एग्जाम चाहता है कि इदा दा केड़ा कॉन्टीनेंट है, इदा दा केड़ा कॉन्टीनेंट है जिथे बहुत ही काइंड क्लाइमेट है, ओनली कॉन्टीनेंट जिथे काइंड क्लाइमेट है, तो अपना नॉर्थ अमेरिका आएगा, कि नॉर्थ अमेरिका ही इदा दा कॉन्टीनेंट है जिथे बहुत ही काइंड क्लाइमेट हैज़ अ वेरी काइंड क्लाइमेट, ठीक है। अच्छा, एशिया दे विच टोटल किन्नी कंट्रीज़ है, सपोज क्वेश्चन आया एशिया दे विच टोटल किन्नी कंट्रीज़ आ जांदियां ने, लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट है साइज एंड पॉपुलेशन दे अकॉर्डिंगली, तो इहदे विच टोटल जिहड़ी कंट्रीज़ आंदियां ने, टोटल कंट्रीज़ जिहड़ियां देखण नूं मिलदियां ने वह है 47 कंट्रीज़, ठीक है, 47 कंट्रीज़ जिहड़े, इंडिया इज़ वन ऑफ दैम। आ रहा बच्चा अपना इंडिया, इत्थे अपना बे ऑफ बंगाल आंदा है, इत्थे अरेबियन सी आंदा है, ठीक है, एरिया इंडिया, राइट। और सपोज करो वर्ल्ड की जिहड़ी लार्जेस्ट कंट्री है वह भी एशिया का ही पार्ट है, किहड़ी कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री, हाँ जी रशिया, रशिया जिहड़ी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री दे विच्चों एक कंट्री आ जाती है, ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री तो एक आ जाती है। और अगर देखा जाए होम ऑफ माउंट एवरेस्ट भी है, क्योंकि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेस अपनी आ जाती है एशिया कॉन्टीनेंट दे विच्ची। उस तो बाद जिमें यूरोप की गल करते हैं, जिमें आप गल की ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है, पहले नंबर पर है स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट, सैकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट कि यूरोप है, ठीक है, होम टू द स्मॉलेस्ट कंट्री वैटिकन सिटी, एक वैटिकन सिटी है जो स्मॉलेस्ट कंट्री है, और जरा तुम कह लो यूरोप है उसका ही पार्ट आ जाता है, यूरोप जरा यूरोप है, ठीक है, वह ही आ जाता है। और ये भी गल याद रखनी है कि जिमें आप गल की कि वैटिकन स्टेट जड़ा है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट कंट्री है, ओके, इसी दे नाल तुहानू ये भी याद रखना यूरोप दे विच कोई डेजर्ट्स नहीं है बच्चा, देयर इज़ नो डेजर्ट्स, जिवें तुसीं देखदे हो ना अपने इंडिया दे विच थार डेजर्ट है, अफ्रीका दे विच जड़ा है तुहानू देखण नू मिलदा है कि सहारा डेजर्ट है, यूरोप दे विच कोई डेजर्ट नहीं है, नो डेजर्ट, ठीक है। इत्थे तुहानूं काफ़ी ज़्यादा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारिया चीज़ा जड़िया ने यूरोप दे विच देखण नू मिलणगियां, राइट। हुण आंदा ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट है, और अगर तुहानूं पूछा जाए कि बहुत इदा दा किहड़ा कॉन्टीनेंट जिथे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा पाई जाती है, जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं, वह ऑस्ट्रेलिया है, तो वास्ट वाइल्ड लाइफ जिहड़ी है तुहानूं कित्थे देखण नू मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया दे विच सब तो ज़्यादा वास्ट वाइल्ड लाइफ जिहड़ी है कितने देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया दे विच। और एक क्वेश्चन आता है कि कोरल, चलो ये वाला आप बाद चो करांगे, नेक्स्ट अपने को आता अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका की गल करिए थर्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट ऑन द वर्ल्ड, पहले नंबर से स्मॉल, पहले नंबर से स्मॉलेस्ट ये है, दूजे नंबर पर है, तीजे नंबर पर थर्ड स्मॉलेस्ट जिहड़ा है, थर्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट ऑन द वर्ल्ड वो अंटार्कटिका है। और ओजोन होल जिहड़ा तुसीं देखदे हो ना इत्थे तो ही स्टार्ट होया सी, सानूं पता लग्या सी कि अंटार्कटिका वाली साइड ओजोन होल जिहड़ा है ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। ओजोन होल की है, जो सन दी यूवी रेस तो ओजोन सानूं बचाती है ना, उत्थे जिहड़ा होल सी सब तो ज़्यादा अंटार्कटिका तो ही स्टार्ट होया सीगा, ओके। और क्वेश्चन एग्जाम च आवे कि लोएसट पॉइंट ऑन अर्थ,
सब तो ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ कितने है, वो अंटार्कटिका दे विच ही है बच्चा, ठीक है। और अंटार्कटिका दे विच कोई कंट्रीज नहीं है, देर इज़ नो कंट्रीज, ये भी याद रखना, कोई भी कंट्रीज नहीं है अंटार्कटिका दे विच ड्यू टू इट्स कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होंगे है। इतने तुम्हें कोल्ड डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, इतने तुम्हें कोल्ड डेजर्ट्स जड़े है देखने को मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंडा इलाका जड़ा है आ जाता है। और कोल्डेस्ट है विंडेस्ट भी कहने, आप ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी कहने, क्वेश्चन आवे कोल्डेस्ट विंडेस्ट, बहुत ज़्यादा विंड हवा चलन वाला, ठीक है, कोल्डेस्ट विंडेस्ट एंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, कोल्डेस्ट विंडेस्ट एंड ड्राइएस्ट इन द वर्ल्ड जड़ा है वो अंटार्कटिका आएगा। उस तो बाद अपने को आता है फोर्थ जरा बचता है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, वो साउथ अमेरिका आता है, ठीक है, वो आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की गल की जाइए, एंडीज वर्ल्ड इज सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, ठीक है, एंडीज ये बारे सुनिया होना, वर्ल्ड दे सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस जड़िया ने साउथ अमेरिका का ही पार्ट आ जाती है। क्वेश्चन एग्जाम जाते वर्ल्ड की सैकेंड माउंटेन माउंटेन रेंजेस जड़िया ने हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस वो कड़िया ने याद रखना एंडीज है। और एमेजॉन सैकेंड लार्जेस्ट रिवर जी एमेजॉन है, ठीक है, वो भी जी है तू साउथ अमेरिका तो ही रन देखे, पहली जी है वो नाइल है वो अफ्रीका का पार्ट है, तो जी दूजी है वो एमेजॉन है, एमेजॉन सैकेंड लोंगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, राइट, तो ये अपनी साउथ अमेरिका जड़ी है आ जाती है, इज इट क्लियर। हुण उस तो बाद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया भी सानू साउथ अमेरिका दे विच ही देखने को मिलता है, कि सब तो ज़्यादा जोड़ा फॉरेस्ट एरिया है वो भी सानू साउथ अमेरिका दे विच ही देखने को मिलेगा, ठीक है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया ये सानू साउथ अमेरिका दे विच ही देखने मिलेगा। चलो ये तो अपनी होगी इंट्रोडक्शन, सिर्फ हजे इंट्रोडक्शन की है, हजे फिर आप गल करांगे इत्थे केड़े केड़े ओशनस हैगे ने, फिर थोड़े पॉइंट्स होर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस जोग्राफी की क्लासेस दे विच करांगे। फरदरमोर एक बहुत इंपॉर्टेंट गल बच्चा, अगर तुसीं प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम दे लई, साढ़े 24 अगस्त नूं बुनियाद फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ये फाउंडेशन बैच तो आप शुरुआत तो करावांगे हर एक सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस, तो तुसीं पंजाब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो बच्चा इस बुनियाद बैच नूं जिहड़ा है रैफर कर सकते हो, ये अज तुहानूं बहुत ही सस्ते प्राइस से पै रहे हैं 2000 रुपये के, ठीक है, 2000 रुपये के, कोड तुसीं लगाना है YAT77, जिदा ही तुसीं कोड लगाओगे YAT77 ये बुनियाद बैच जिहड़ा है इसकी कीमत 2000 रुपये हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट यदि जी है 9000 रुपया है। ईवनली हजे भी पंजाब के महापैक जिदे विच ये सारे कोर्सेज आ जाते हैं जिदे विच बुनियाद बैच भी है वह भी तुहानूं जिहड़ा है कह लो 2000 रुपये के करीब मिल रहा है, और वो डबल वैलिडिटी ऑफर अज भी मिल रहा कि 2 साल के लिए, ठीक है, बट ये बुनियाद बैच जरूर याद रखना 24 अगस्त तो स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ अगर बेसिक तो लेकर एडवांस तक प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन जरूर लो। और बाकी ये ज्योग्राफी क्लासेस जड़िया ने आप कंटिन्यू रखांगे जिदे विच आप डिस्कशन करांगे टॉपिक वाइज, अज आप डिस्कशन की इंट्रोडक्शन पार्ट किया है जिदे विच आप कॉन्टीनेंट्स के बारे डिस्कशन की। आई होप यू लाइक द क्लास, अगर तुम्हें इदा की क्लासेस होर पसंद आदि ने प्लीज़ कमेंट सैक्शन के मैंने जरूर दस्यो कि मैम इदा की क्लासेस होर लैके आओ, टॉपिक वाइज आप जरूर करांगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट ईवनिंग ऑल्सो।